दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में शनिदेव के केवल दो ही धाम हैं, एक सिग्नापुर में और दूसरा ब्रज के कोकिला वन धाम। आज शनि अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने शनिदेव मंदिर कोकिला वन धाम में जाकर पूजा अर्चना कर शनिदेव पर तेल चढ़ाया। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव मंदिर पर वैसे तो शनिवार को काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है, लेकिन विशेषकर शनि अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। जी हां, आज शनि अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने कोकिलावन धाम जाकर शनिदेव की 4 किलोमीटर की परिक्रमा लगाकर पूजा अर्चना कर न्याय के देवता शनिदेव पर तेल, तिल और लोहे की कील चढ़ाकर अपने ऊपर से शनि की जो दिशा है उसको खत्म करने के लिए भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना की। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर पुलिस प्रशासन की तरफ से काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं कोकिलावन धाम शनिदेव मंदिर पर की गईं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े और जगह जगह पर श्रद्धालुओं द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है और हम शनिदेव से कुछ मांगने नहीं, बस शनिदेव के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर दर्शन करने वाले श्रद्धालु भारत के हर कोने से आते हैं और यहाँ पर आकर भगवान शनिदेव के दर्शन करने के बाद भंडारे लगाते हैं, जिससे कि जो दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को प्रसाद खिलाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, शनिदेव के दर्शन के लिए आए हैं। जितने भी मंदिर हैं मथुरा वृंदावन जाएंगे हम, कल का डे भी हमारा यहीं पर ही रहेगा, सब जगह हम अच्छे से दर्शन करेंगे सभी मंदिर। आज शनि अमावस्या है, लाखों की संख्या में भीड़ मिली है आपको? हाँ, काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा? नहीं नहीं, कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा, बहुत आराम से सब दर्शन हुए, हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छे से। भीड़ है बट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। शनिदेव के लिए क्या जैसे क्या मांगने आई हैं आप? या हम तो बस शनिदेव की कृपा रहे और ये क्या? क्या कहना चाहेंगे आप जो और श्रद्धालुओं से, इतने श्रद्धालु आए हुए हैं? बस यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, जो यहाँ की गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है, पुलिस का मैनेजमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लाइन से काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ बढ़िया हुआ। आप उड़ से आई हैं? नहीं, मैं गाज़ियाबाद से। जब गाज़ियाबाद से आई? पब्लिक सेवा के लिए, जो इतनी दूर दूर से लोग आते हैं बेचारे, ये सब शनि महाराज की कृपा से ही हो रहा है। कितना भंडारा कब लगता है आपको, कितने दिन से? कितने कितने दिन तक या कितने घंटे चलता है ये? करीबन करीबन 4-5 घंटे रहता होगा, पूरा लंच आवर सारा सारा। हाँ, तो मतलब सुबुद्धि मिशन के माध्यम से? सुबुद्धि मिशन के माध्यम से लगता है। हर बार लगाते हैं? हर बार मावस पे रखता है, श्री मावस। कितने वर्षों से लगाते आ रही है? अब तो खुद याद भी नहीं रहा भैया, कई वर्ष हो गए लगाते। हाँ, काफ़ी वर्ष हो गए, जितनी बार भी पढ़ते सभी पे। और वैसे भी हर सैटरडे को भंडारा चलता है, वो दिल्ली में चलता है, जो बड़ी मावस आएगी वो उस पर हुआ। तो कल कितने श्रद्धालु अब तक यहाँ पे आ चुके हैं? अराउंड 5,500 के आसपास आदमी आ जाते हैं लगभग। नहीं, हमने तो पूरी भरपूर तैयारी कर रखी है, आज के दिन मैंने 25 आदमियों को लगा रखे हैं, लेकिन पब्लिक इतनी है, भीड़ इतनी है कि उनके पांव तले अब सफाई करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। सफाई में जैसे कि अब जैसे तपती गर्मी में जो फर्श जो है वो गर्म हुआ पड़ा है, तो उसके लिए आपने कहीं भी कोई पट्टी वगैरह की व्यवस्था नहीं? नहीं, मंदिर के अंदर तो हमारे पानी की व्यवस्थाएं चल रही है, नली चल रही है, जिसे इसकी धुलाई उलाई करते रहते हैं हरदम, जो तेल की चिकनाई है वो पानी के रास्ते बाहर निकल जाता है। टोटल कितने आदमी लगे पूरी सफाई में? पूरे तो कम से कम 50 आदमी हैं। 50 आदमी पूरे कोकिलावन क्षेत्र के सामने। पुलिस व्यवस्थाओं को देखते हुए जब हमने SP देहात आदित्य कुमार शुक्ला से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 5 SO लगाए गए हैं और करीबन 150 सिपाही, कांस्टेबल एवं महिला सिपाही भी लगाई गई हैं। किसी भी प्रकार की यहां पर श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो सकती है और यहां पर
क्राइम होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अमावस्या के दिन जो व्यवस्थाएं हैं कोगलाबंदी कैसी रही है अभी? ये जनपद मथुरा में थाना कोशी कला के अंतर्गत ये जो हमारा शनिदेव मंदिर है कोकलावन में प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। ये आज शनि अमावस्या है, इस कारण और ज़्यादा भीड़ हुई है। ये रात से ही यहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन रहा है। हमारी पुलिस व्यवस्था काफ़ी यहाँ की गई थी, इसमें हमारे 500-600 लगे हैं, बाकी अन्य लगभग 150 सिपाही और महिला कांस्टेबल, सिविल पुलिस और ट्रैफिक के पुलिस भी लगे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और अभी मेला चल ही रहा है, हम मेले को सफल संपन्न कराएंगे। सर, और किस प्रकार के चैन स्नेचर होते हैं या जो जेब कटरे होते हैं सर, उनमें से कोई ऐसी कुछ शिकायतें जरूर आई हैं और इसमें एक आध लोगों को लिया गया है, पकड़ा भी गया है। और एक से तो मोबाइल उसका पकड़ा गया था, तो कह रहा था मोबाइल गिरा था तो हमने उठा लिया था। इस प्रकार के कुछ लोग जरूर हिरासत में भी लिए गए हैं, इससे पूछताछ की जा रही है और कोई ऐसा काम करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांतिपूर्ण है, मतलब शांतिपूर्वक ढंग से मेला चल रहा है।